आज के व्लॉग में मैं आपको जहाँ के लेके जा रहा हूँ अपने दोस्तों यारों के साथ, वो सऊदी अरेबिया की सबसे खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट पैराडाइज को आप बोल सकते हैं। खूबसूरती के लिहाज से सबसे खूबसूरत जगह है सऊदी अरेबिया की, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सऊदी अरेबिया है। हर तरफ सरसब्जा ही आपको नज़र आएगा, और मौसम शदीद सर्दी कि आपको जून जुलाई में भी जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उधर जिस वक्त सारे सऊदीया में गर्मी शदीद अपने अरूज पर होती है, तो उस वक्त इधर सर्दी अरूज पर होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह होगी। बादलों से गिरे हुए पहाड़, और हर थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदाबांदी और ही इसके मनाजिर को हसीन बना देती है। तो चलें आपको लेके चलते हैं आज जबल सौदा अबा, द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सऊदी अरेबिया। सफ़र में जो हमारे साथ दोस्त थे जुनेद और महर, उनकी हैरानगी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो ऐसी जगह को देख के कितने हैरान और परेशान हो रहे थे। उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि सऊदी अरेबिया में भी ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद है, पर क्योंकि वो पहली बार इस साइट का विज़िट कर रहे थे, और उनकी हैरानगी और परेशानी में जो वो बातें कर रहे थे, तो उससे हम लोग महसूस हो रहे थे और खुश हो रहे थे। जैसे पहली पहली बार बच्चा चलना शुरू करता है तो माँ बाप कितने हैरान और परेशान और खुश होते हैं, ऐसे ही वो खुश हो रहे थे और उनकी खुशी को देख के हम लोग एंजॉय कर रहे थे। आपको जुनेद की अपने दोस्त के साथ उस वक्त फ़ोन पर की गई बातें थोड़ी सी सुनाते हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी हैरानगी का, और वो उस वक्त इन लम्हात को कितना इंजॉय कर रहा था। चले आए आपको चेक करवा। ਬੰਦਨ ਮੇੜੀ ਆਏ ਨੇ ਫੜਦੇ ਆ ਪੁੱਜਦੇ ਆ
आज बैठ के ना तिबला ने बादशाह बदला पकड़ना ना वीडियो बनाना भाई फ्री नहीं है उनके का ना का पता चल रहा है सिमा साहब जन वीडियो सेंड कर सकते हैं क्यों वीडियो ने गुजारा करवा को आज तक घड़ी की बड़ी है मक्का वाली मक्का मुकरमा आज की बड़ी हुई थी चलो वापसी पर था हम भी बड़ी ठंड की मौज में आ गए ना चल वापसी तो भाई रात तक सर टुकर खाता सा तेरे को इंशाल्लाह आज लेटा ला मेहरबानी चीमा साहब दावेदार भाई अल्लाह दादी जिंदगी करे दादे कारोबार से बरकत कमाए ठीक जगह वापसी का अगला से करना है इधर से कितना फट सर हां ठीक है ना सुना रैपर वाला ऐसे भी आया चीमा ये बदला में जो जड़ा है ना पानी बारिश नहीं ना वाह जी वाह माशाल्लाह नजारा चेक करें बारी बंद करो बारी दरवाजा खुले माशाल्लाह जी माशाल्लाह मजा आ गया यकीन जाने मजा आ गया। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये सऊदी अरेबिया है लेकिन आप अपनी आंखों पे यकीन कर सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया है। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है, बादल बिल्कुल छाए हुए हैं चारों तरफ और आगे बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा है, इस वजह से ड्राइविंग बड़ी स्लोली कर रहे हैं हम लोग। लाइटें फुल ऑन है, ज़रा चेक करें माशाल्लाह नज़ारे चेक करें, अल्लाह की शान चेक करें और बहुत ही ठंडा मौसम है। बड़ी एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ेगी कि बादलों की वजह से बिल्कुल आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को। इंडिकेटर ऑन किए हुए हैं, डबल इंडिकेटर ऑन है गाड़ी के, हेडलाइट्स भी ऑन है और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह। बड़ी मुश्किल से हमें जो है ना बैठने के लिए एक जगह मिली है, हर तरफ बुकिंग हुई हुई है, फैमिलीज ही फैमिलीज हैं। अभी बड़ी मुश्किल से ये जगह ढूंढी है। आमर भाई कैसा मौसम है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा मौसम है, बहुत शानदार माहौल है और सबको इधर विजिट करना चाहिए, आपको बिल्कुल पाकिस्तान जैसा लगेगा और इंशाल्लाह ताला आप भरपूर इंजॉय करें इंशाल्लाह जी। बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी सरसब्ज, ठीक है, ज़रा ग्रीनरी चेक करें माशाल्लाह। इधर बिल्कुल आपको सऊदीया ने वो सख्ती या वो पर्दा इधर हर फैमिलीज एंजॉय कर सकती हैं आराम सुकून से। सेम मौसम जो है ना वो मरी वाला मौसम ठंडा मौसम है और सरसब्जा और बेहतरीन मौसम है। अभी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, ठीक है जी। जहाज भाई कैसा है मौसम? हाँ बड़ी दिक्कत के बाद जगह मिली है, बड़ी मुश्किल से घूम घूम के हमें एक जगह मिली है। बहुत ज्यादा क्या महंगा नहीं, इधर माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और कुदरत का नजारा है माशाल्लाह और एंजॉय हमारी अपनी है, शीशा साथ में है, फुल प्रोटोकॉल के साथ है इंशाल्लाह जी। हर चीजें अवेलेबल है हमारे पास, कंबल तकिए भी हैं अगर मूड बन जाए रात का। श्यावनी किधर गए ने?
काल मारो ने ना अजमल, बड़े दूरों ने छतरी नजर आई है, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बड़ी ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इधर बादल भी आ जाएंगे और बारिश भी होनी है इंशाल्लाह, तो बड़ा प्यारा मौसम है। बड़ी मुश्किल से हमें ये बैठने के लिए जगह मिली है, ओपन में तो जगह मिल रही है लेकिन ये जो है ना शेड के नीचे बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ढूंढी है, क्योंकि बुकिंग हुई हुई है, हर तरफ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह। इधर हमारा पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, चलें आए आपको मिलाते हैं बंदों से माशाल्लाह। माशाल्लाह एक तरफ लूडो लगी हुई है, दूसरी तरफ ताश शुरू होने वाली है, पेप्सी और लेज चल रहे हैं माशाल्लाह। एक तीर से दो शिकार माशाल्लाह। सारे अपने दोस्त भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये कासम भाई जो है ना ये साकी का काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। लड्डो तो मैं लड्डो खाने आ रहा हूं ना, उससे बचकार बहुत पे इधर हमारी कुकिंग जा रही है माशाल्लाह, चिकन कढ़ाई बन रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ईद पे चिकन का क्या काम है, लेकिन इंशाल्लाह मटन बारबेक्यू करेंगे हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। अभी जो है ना ये चिकन कढ़ाई रेडी हो रही है, लहसुन अदरक टमाटर सब्ज मिर्च, इधर चिकन है हमारी माशाल्लाह। ये जी प्याज जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह, पूरा सेटअप है माशाल्लाह। अकबर अली लगे हुए हैं कुकिंग करने, आज ये कुकिंग की ड्यूटी इनकी लगाई है। माशाल्लाह ये सऊदी के अंदर ऐसा माहौल आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि लोग दोस्त यार ईद तो सो के गुजार देते हैं और हमारी तो नींद ही पूरी नहीं हुई इन दोनों दो दिनों में। जी गनी भाई हंसता मुस्कुराता चेहरा, आज मैं आना के देखे कितना की करना है, कल खोती करके आया था। आबद एक गिलास भाई हमें भी दे देना यार, दो गिलास रखे उधर माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मरिंडा मरिंडा, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है ठीक है, अभी जो है ना लहसुन अदरक डाल दिया है अकबर अली ने माशाल्लाह। अकबर अली जबरदस्त किस्म की कढ़ाई रेडी होनी चाहिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रोटोकॉल के साथ माशाल्लाह। बड़ा प्यारा एरिया है, बड़ी जबरदस्त किस्म की हवा ठंडी ठंडी चल रही है। सऊदीया के इस वक्त कई शहरों में बड़ी शदीद किस्म की गर्मी है, लेकिन इन दिनों माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी, अभी धूप निकल रही है और थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह फिर बादल आ जाएंगे और ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। सरसब्जा ही सरसब्जा है, जैसे मरगला के पहाड़ हैं मरी नथिया गली, सेम वही मौसम है माशाल्लाह। ज़रा व्यू माशाल्लाह, इधर अपने पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं, सलाम वालेकुम के फलाल बेरा मेहरबानी है जी।
अभी माशाल्लाह बादल हमारी गाड़ी में एंटर हो। ये मनाजर उस वक्त के हैं जिस वक्त हमें रोटी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ा है। तो इतनी ज़्यादा रश और भीड़ थी कि आप यकीन करें बड़ी मुश्किल के साथ हम लोग जो है ना पहुँचे हैं। और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा, ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा सऊदीया ही जो है ना वो जबल सौदा की तरफ निकल के आ गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जरा मौसम चेक करें, बहुत ही प्यारा मौसम है। हमारे पैसे पूरे हो गए जो खतरनाक रास्ते से हम सफर करके आए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जाज भाई, पैसे पूरे हो गए? बस ऐसा प्यारा मौसम है, लेकिन हम अकेले अकेले हैं सारे। कई कई बार साड़ी उर्दू भी फंस जाती है। इधर देखो ना जरा तस्वीर बढ़ाइए। भाई साहब, भाई साहब, आ गया सर माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी खाना शुरू हो गया। लगता है कुछ दीदी लगी चुप ही हो गया। माशाल्लाह से जी अभी बारबेक्यू का प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। उधर हमारे भाई लोग
कोयले जो है ना वो रेडी कर रहे हैं। इधर सीखें हम माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा मौसम है। सीखें आपने ऐसे लगानी है कि इसमें जो है ना वो नीचे लटके नहीं। माशाल्लाह से जी बारबेक्यू शुरू है, मेहनत नहीं है लेकिन दिल से उठ रहे हैं। मोबाइल बड़ा बेहतरीन थी लेकिन लेकिन जाती भी खानी है, खाना पड़ता है, सभी चलता है। गनी भाई हाँ यार, नहीं त्रै बोटी नहीं, एक जाओ माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, माशाल्लाह, हैदरअल्लाह, हैदरअल्लाह, ए माशाल्लाह, ये बीम बीम, ए गर्दश गर्दश गर्दशम गर्दशम, औलाद क्या सलमान सलमान, चल भाई माशाल्लाह से जी बड़े जबरदस्त किस्म के, थोड़ी मटन है वो थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म के बन रहे हैं। अच्छा जी सपन चाय 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 गरम गरम चाय गरम पानी पाड़े कहते पानी पाओ माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश लग रही है और इधर इधर चाय हमारी बन रही है। जिंदगी का एक बहुत अच्छी और यादगार ट्रिप, जिस वक्त हम पहुंचे हैं उस वक्त जो है ना हल्की सी बारिश थी और थोड़ी देर बाद सूरज निकला है लेकिन जिस वक्त असर का टाइम हुआ तो दोबारा बादल छा गए और चारों तरफ बादल ही बादल हो गए। जब हमारी पार्टी बिल्कुल एंड होने वाली थी, महफिल बर्खास्त होने वाली थी और चाय का सीजन चल रहा था, उस वक्त
बारिश शदीद किस्म की बारिश लग गई और बारिश भी इतनी तेज थी कि हम सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ा बारिश से बचने के लिए। एक बहुत ही यादगार ट्रिप रहा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग, हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही हसीन मनाजिर शेयर करते रहेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शाहिद खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ये चाहते हैं मोहब्बतें कायम रखना, हम हो ना हो हमारे दोस्तों को हमेशा तो सलामत रखना।